वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बादशाह वर्सेस लास्ट फार्मास की गेम का रिव्यू करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बार्सिलोना ने निकाले और इन 3 पॉइंट के बाद से बार्सिलोना और मैड्रिड का सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। ऑब्वियसली मैड्रिड के पास गेम इन हैंड है और आज वो एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट मैच खेलेगी, और अगर रियल मैड्रिड अपने पॉइंट लूज कर जाती है अल क्लासिको से पहले, अगर पॉइंट लूज कर जाती है और बार्सिलोना क्लासिको जीत जाती है, तो मेरे ख्याल में टाइटल रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाएगी और बार्सिलोना के पास मौका होगा कि वो दोबारा से जो है वो टाइटल रेस में वापस आ सकती है। लेकिन ऑफकोर्स बार्सिलोना को अपनी बाकी की 7 गेम्स जो है वो जीतनी पड़ेंगी, और बार्सिलोना ने जो जिस तरह से लास्ट फार्मास के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, गेम प्ले के हिसाब से तो बार्सिलोना काफ़ी डिसेंट नज़र आ रही थी, लेकिन वेस्टफुल काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बार्सिलोना ने मिस किए फाइनल थर्ड के अंदर, स्पेशली लेवनडोस्की, रफीनिया की अगर हम बात करें तो इन लोगों से हम लोग ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशन ये लगा के रखते हैं कि यार इनको फाइनल थर्ड में जो है वो गोल ज़रूर स्कोर करना चाहिए। जब आप इतने ऑब्वियस और इतने क्लियर चांसेस बनाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो अपना बेहतर करना होगा। इंटरनेशनल ब्रेक पे जाने से पहले बादशाह की फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से आते हैं तो टीम जो है थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जलिन होने में और दोबारा से जो है वो प्लेयर्स को थोड़ा सा आपस में तालमेल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इंटरनेशनल ब्रेक से पहले भी हम लोगों का जो फाइनल थर्ड के थोड़े इश्यूज जो थे वो थोड़े से सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे थे। वहाँ पर हम लोग गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अवेल भी कर रहे थे, गोल भी स्कोर कर रहे थे, और जिस तरह हमने थ्रू आउट द सीज़न, इस पूरे सीज़न में हमने ये देखा था कि बार्सा जो है चांसेस बनाती तो बहुत ज़्यादा थी, और पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा चांसेस बनाने वाली टीम जो है वो बार्सिलोना थी, लेकिन चांसेस मिस करने वाली टीम भी जो है वो बार्सिलोना ही रही है। अब इंटरनेशनल ब्रेक आने के बाद से जो है, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से फिर वही प्रॉब्लम जो है वो नज़र आई है आज की गेम में कि बादशाह ने चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिस किए, स्पेशली लेवनडोस्की से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो गोल जो है वो स्कोर करें बादशाह के साथ, क्योंकि अगर पिछले 10 महीने की अगर हम बात करें तो जो बादशाह के लिए लेवनडोस्की की फॉर्म नज़र आई थी वो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जिस तरह से लेवनडोस्की परफॉर्म करना शुरू हुए थे, तो वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसी फॉर्म को लेकर चलें, क्योंकि अब तो हम सीज़न के बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग जो है वो गेम लूज़ करना, चाहे वो चैंपियंस लीग हो या ला लीग हो, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो स्टार्टिंग लाइनअप में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद बादशाह ने, मुझे लगा था कि बादशाह जो है वो प्लेयर्स को रेस्ट कराएगी, लेकिन बादशाह ने अरोहो के अलावा बाकी पूरी जो है वो फुल फ्लैश टीम बादशाह की खेल रही थी। टेर स्टेगन थे, कोबरासी ने स्टार्ट किया, उसके बाद इंगिनो मार्टिनेस अरोहो की जगह खेल रहे थे, कुंदे राइट बैक थे, लेफ्ट बैक पे कैंसिलो थे, उसके बाद सेर्जियो रोबर्टो, फरमीन लोपेज और गुंडोगन आपके मिडफील्ड में थे, और फिर लामिन यमाल राइट पे थे स्ट्राइकिंग पोजीशन के ऊपर लेवनडोस्की, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके रफीनिया ने स्टार्ट किया था। तो लाइनअप में मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ चेंजेस होंगी, प्लेयर्स को शायद रेस्ट कराया जाएगा, लेकिन चावी ने बिल्कुल भी चांस नहीं लिया। और अगर हम गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले काफ़ी अच्छा था। लास्ट फार्मास की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट फार्मास काफ़ी हाईलाइन खेल रही थी स्टार्ट में, और वहाँ पर बार्सिलोना ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस क्रिएट किए, ट्रांजिशन में काफ़ी अच्छे थे, काउंटर अटैकिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बॉल स्विच अच्छा कर रही थी बार्सिलोना, बॉल रोटेशन काफ़ी अच्छी थी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब से आपने अगर नोट किया हो कि पेड्री और फ्रेंकी डी योंग इंजर्ड हुए हैं और सेर्जियो रोबर्टो और फेमिन लोपेज ने स्टार्ट करना शुरू किया गुंडोगन के साथ से, वहाँ पे बार्सिलोना का प्ले मेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, बार्सिलोना ट्रांजिशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो पेड्री या फ्रेंकी डी योंग को जो है वो उनसे बेहतर जो है फेमिन लोपेज या सेर्जियो रोबर्टो है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज़ आप अगर डिफरेंस देखें इस मिडफील्ड में और सेर्जियो रोबर्टो और फर्मिन लोपेज की मिडफील्ड में, वो ये है कि ये लोग बॉल तेज़ बहुत अच्छा चलाते हैं, बॉल आया पास किया, जबकि पेड्री और फ्रेंकी डी योंग का तो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि वो लोग बॉल को ज़्यादा कैरी कर जाते हैं, बॉल चलाते जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं है, जहाँ पर बार्सिलोना का जो अटैक है वो स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर चावी को काम करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जो बड़ी गेम्स हैं, जो स्पेशली पीएसजी की गेम आ रही है, और ये भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि
आपके फेडरी और फ्रेंकी डियोंग जो है वो रिकवर कर जाएंगे पीएसजी की गेम में, तो वहां पर मेरे ख्याल से चावी को जो है वो टीम पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, इन दोनों मिडफील्डर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा कि उनको बॉल जो है वो तेजी के साथ रोटेट करना पड़ेगा, पासिस जल्दी जो है वो निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बार्सिलोना का जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा तेज हो सके। तो यही चीज अगर आप देखें कि जब से ये एक नया कॉम्बिनेशन जब से बार्सा ने की तरफ से खेलना शुरू हुआ है, वहां से बार्सा की परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर होती हुई आपको नजर आई है। अब अगर मैं बात करूं कि चांसेस क्रिएशन की, तो चांसेस क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही इस गेम में। उसके बाद प्रेस बहुत अच्छा कर रहे थे सेजो रोबर्टो भी और फेमिन लूपेस भी, बॉल रिकवरी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ जो है हम कहीं ना कहीं हम फ्रेंकी डी योंग और पेड्री के साथ मिस करते हैं, जो जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 25 मिनट में जब तक रेड कार्ड नहीं हुआ था लास पामास को, तो वहाँ पर काफ़ी हाईलाइन खेली थी लास पामास और बार्सा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस बनाए, लेकिन रेड कार्ड होने के बाद से जब उनके कीपर को रेड कार्ड हुआ उसके बाद से उन्होंने बस पार्क कर दी और वहाँ पर जो है वो बार्सिलोना को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। और बार्सा चांसेस तो बना ही रही थी लेकिन गोल कन्वर्जन जो है वो हम नहीं कर पा रहे थे। और एक जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो तो भाई वो जो ऑफसाइड दिया है, मुझे समझ में नहीं आई। अब देखें दो ओपिनियन आ रहे हैं इस चीज़ में, एक तो ये ओपिनियन आ रहा है जो कि जिसकी वजह से ऑफसाइड दिया गया वो ये था कि एक्सक्यूज़ मी वो ये दिया गया कि क्योंकि ऑफसाइड पोजीशन के ऊपर थे रफीनिया और जब डिफेंडर ने बॉल जो है वो खेला और उसको जो है रफीनिया तक पहुंचाया तो उस सूरत में ऑफसाइड होता है। लेकिन जो दूसरा ओपिनियन है जो बार्सिलोना फैंस क्लेम कर रहे हैं या बार्सिलोना का सोशल मीडिया क्लेम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके जो डिफेंडर है उन्होंने दो दफ़ा बॉल को जो है डेलिब्रेटली खेला है तो वहाँ पर ऑफसाइड नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और मुझे समझ में नहीं आती कि ला लीगा वार के होने के बाद भी अब जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो यार आप किस तरह से अपनी लीग को इम्प्रूव करोगे। ला लीगा को जो है वो वार और रेफरिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर उनको प्रीमियर लीग या बाकी लीग का कम्पीट करना है। प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो रेफरिंग की नज़र आ रहे हैं, लेकिन या फिर भी इस तरह के ब्लंडर्स जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते वहाँ पर। अब अगर हम लोग अब बात करते हैं प्लेयर बाय प्लेयर की, तो वहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेर स्टेगन ने स्टार्ट किया था, टेर स्टेगन को ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं हुआ और क्लीन शीट हमें मिली है, तो टेर स्टेगन की गेम जो है वो काफ़ी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यार डिसेंट गेम थी। जाहिर बात है उनको टेस्ट ही नहीं किया गया। कुबारसी यार कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी, बॉल रोटेशन, बॉल स्विच करना, बॉल चलाना, बॉल रिकवरी और किस टाइम पर टैकल करना है, कमाल की बात है। इंगिनो मार्टिनेस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। कैंसिलो थोड़ा ऑफ कलर नजर आए फाइनल थर्ड में, मेरे ख्याल से उनको उनकी जो डिलीवरी है वो बेहतर हो सकती है। कैंसिलो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए। कुंदे काफ़ी अच्छे जो है वो हमें नज़र आए। और उसके बाद गुंडोगन भाई बेस्ट प्लेयर हैं आपके, मैं ये कहता हूँ कि यार फ्री में हमें इतना ज़बरदस्त प्लेयर मिल गया है गुंडोगन, और क्या ही बात है उस बंदे की, पूरी गेम वो बंदा चलाता है तो मज़ा आ गया उसकी गेम देख के। फर्मिन लूपेस की गेम काफ़ी जो है वो डिसेंट थी। और फिर उसके बाद आप अगर बात करते हैं सेजो रोबर्टो की, तो उनकी गेम भी डिसेंट गेम थी। आप रफीनिया ने एक गोल स्कोर किया था जो कि ऑफसाइड देते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया, दूसरा गोल उन्होंने स्कोर किया। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में फाइनल थर्ड में उनकी पासिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। और जाओ फिलिक्स को लेकर जब आया गया फर्मिन लूपेस की जगह, तो वहाँ पर जाओ फिलिक्स को लेफ्ट पे कर दिया गया और रफीनिया को सेंट्रल पोजीशन के ऊपर जो है वो खिलाया गया। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर रफीनिया ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे नंबर 10 पोजीशन के ऊपर रफीनिया ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या अगर आप उनको मिडफील्ड की पोजीशन के ऊपर खिलाते हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। जाओ फिलिक्स का बेहतरीन पास वर्ल्ड क्लास पास था, और उनका यही होता है कि यार जिस दिन वो मूड में होते हैं तो वो कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे देते हैं, कमाल किस्म का पास या गोल स्कोर करके दे देते हैं। और फिर एक उन्होंने बड़ा ही आसान सा मिस भी किया, कुंदे का एक बहुत ही ईजी सा पास था जो कि उनको सिर्फ जो है वो गाइड करना था गोल में, नहीं कर पाए। कैजुअल फिनिश थी उनकी वो, और उन्होंने बार के ऊपर बॉल मार दी और चांस उन्होंने ज़ाया कर दिया। क्योंकि देखें आप जब 1-0 गेम के अंदर रहते हैं तो दूसरी टीम के पास कभी भी मौका होता है गेम में वापस आने का, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा जो है वो आपके पास एटलीस्ट 2 गोलों की लीड तो होनी चाहिए कि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। लेवनडोस्की यार ऑफ कलर नज़र आए, और लेवनडोस्की मैं समझता हूँ कि उनको जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब लेवनडोस्की जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रेक से पहले परफॉर्म कर रहे थे, हमें उस तरह की लेवनडोस्की की
स्किल्स और परफॉर्मेंस चाहिए, उस तरह से जो है वो कनेक्ट होते हुए नज़र आएँ, टीम के साथ पासिस करते हुए नज़र आएँ, कनेक्टिविटी जो है उनकी आज कुछ ना कुछ बेहतर ही थी, लेकिन जो है हमें उनसे जो है गोल चाहिए, स्पेशली इस टाइम के ऊपर जब सीज़न बिल्कुल एंड हो रहा है, तो लेवांडोव्स्की की फॉर्म जो है बार्सा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटर रूक आए थे, विटर रूक जो है वो उनको सिर्फ 8-10 मिनट मिले हैं, कोई ज़्यादा उनको मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि उनको कोई इतना ज़्यादा गेम में उनके लिए इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई। लामिन यमाल का गेम जो है वो काफ़ी मुझे ऑफ कलर नज़र आया, जिस तरह से उन्होंने ब्राज़ील के अगेंस्ट परफॉर्म किया था और जिस तरह से वो पहले परफॉर्म करते रहे, तो आज उनकी गेम काफ़ी ऑफ कलर थी और मतलब उनके पासेस भी इतने एक्यूरेट नहीं थे और ड्रिबलिंग में भी जब वो 1-1 सिचुएशन में जा रहे थे तो बॉल काफ़ी दफ़ा टूटा उनसे। तो ठीक है यार, एक यंग लड़का है, 4-5 गेम के बाद अगर एक आधा थोड़ा सा हल्का फुल्का गेम डाउन हो भी जाता तो आई थिंक इट्स ओके। तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लेकर गई है यहाँ से और बार्सिलोना को अब आगे जो है वो सीज़न में अपनी बाकी की सारी गेम्स जो है वो जीतनी पड़ेंगी, तो तभी बार्सिलोना कुछ ना कुछ टाइटल जो है स्पेशली चैम्पियंस लीग जो है वो निकाल सकती है और ला लीगा के में जो है वो रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर जो है वो डाल सकती है। आपकी क्या कमेंट्स हैं गेम के बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।